का भाई का टोनी भाई का कोलैब का एक गाना साहब हमारे बैकयार्ड पे आई हूँ। ये देखिए अंजलि का व्लॉग नहीं आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई नहीं है बस एक में अटैच कर दो, बट इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस कैसा आ जाती है भाई। फिर से देखो भाई, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। अभी सुबह के बजे 9:05, एक्चुअली मैं ना 7:30 बजे उठ गई थी, उसके बाद मैंने हाथ मुंह धोया और मैं थोड़ा पढ़ने भी लग गई थी क्योंकि आज से मैं रिविजन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन है एग्ज़ाम्स में, आई होप रिविजन ख़त्म हो जाए टाइम से पहले ही। तो हाँ जी, इसी में आज का ब्लॉग शुरू करते गाइज। अभी मैं नाश्ता करने जाऊँगी, देखते हैं नाश्ते में क्या बनाया आज मम्मी लोग ने। सिंपल ही होता है हमेशा हम लोग का। और आज एक पार्सल आने वाला है दोस्तों, क्या पार्सल है वो थोड़ी देर में तुमको मैं बताऊंगी, ठीक है? तो चलो नाश्ता वास्ता करते फिर पढ़ने बैठते हैं। फिलहाल भाई मौसम देखो, वाओ क्या मौसम है। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करें। और पीछे बड़े पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अपन भी करेंगे। चलो चलो ब्रेकफास्ट दो जी, ब्रेकफास्ट दीजिए, मिठाई भी है ना। थैंक यू, मत मारो है, नॉन वायलेंस आप मत करो मेरे ऊपर। गाइस काजू कतली भी है, चलो बारिश एंजॉय करते करते हम ब्रेकफास्ट करेंगे दोस्तों। काजू कतली है और ये क्या कलाकंद है, ये दो रोटियां हैं और क्या बोलते इसको, अरे सब्जी का नाम भूल गए, पत्ता गोभी का सब्जी। गाइस चलो, Many unbearable hours later. गाइस अभी मैं पढ़ ही रही थी तो डिलीवरी का भैया का कॉल आ गया कि आपका पार्सल आया है। तो एक्चुअली पार्सल क्या है मैं बता दे रही हूँ, मतलब कि कुछ दिन पहले, शायद 4-5 दिन पहले मैंने एक टेम्पर ग्लास मंगवाया था मैट का, जो कि काफ़ी सेफ होता, भैया ने भी वो लगाया था, तो मैंने भी सोचा कि वही लगा लेते हैं। भाई जब रिपेयर के लिए दिया था ना, रिपेयर से पहले टेम्पर ग्लास था, बट रिपेयर करते वक्त टेम्पर ग्लास निकालना पड़ा था, दूसरा लगाना पड़ा था, तो भैया ने सजेस्ट किया कि तुम जो मैंने लगाया अपने फ़ोन पे वही लगा लो मैट का। और भाई जो सुबह मैंने रिकॉर्ड किया था ना व्लॉग का क्लिप्स, अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है भाई, इतना दिक्कत देता है ना ये व्लॉगिंग। गाइस पार्सल आ चुका, हम रिसीव करने जा रहे हैं। आई पहले पे तो मैंने ऑनलाइन ही कर दिया था, UPI के थ्रू कर दिया था। चलिए गाइस पार्सल, हाँ अनुष्का ना, हाँ अनुष्का एक बार हाय बोल दीजिए ब्लॉग में। चलिए गाइस, हंस रही है यार ये मम्मी ना, पीछे से हंस रही है। फ्री फास्ट डिलीवरी, मेरा पार्सल है। जब मैं भैया को बुला लूँ, दादा ये क्या लगा देंगे, बेइज्जती कर देते हैं ये। अच्छा मैट, अच्छा ऐसा वाला आया हो, सारा कुछ दिया है भी इसमें। अच्छा हाँ भाई, सिंपल फर्स्ट मार्क इम्पॉसिबल प्रोटेक्शन। अब चलो भाई चलते हैं, अनबॉक्सिंग करके रख देते इसको और पढ़ने चलते हैं। तो अभी जस्ट मैं पढ़ाई वढ़ाई करके ऊपर आई थी, ठीक है, मैंने जस्ट रियलाइज़ किया आज तो डेट तारीख है 20 जून। 20 जून को फुकरा भाई का और टोनी भाई का कोलैब का एक गाना आने वाला था भाई, मैंने सुना, ठीक है, फटाफट से मैंने, मतलब डेट फटाफट से याद आया, तारीख याद आया, तो मैंने फटाफट यूट्यूब सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके देखा शिकायत। भाई क्या गाना बनाया यार टोनी भाई ने, हैट्स ऑफ। और भाई फुकरा भाई का जो भी गाना है वो गाते इतने प्यारे, ये वाला गाना तो और भी प्यारा है भाई। भाई कितनी बार दिल जीतोगे फुकरा भाई, कितनी बार। पान जी अगर अभी तक आप लोग ने गाना नहीं सुना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट करो और गाना सुनो, इतना प्यारा गाना है ना, मैंने करीब 20-25 बार सुन लिया भाई, इतना प्यारा गाना है सच में यार। मैं एक रील भी पोस्ट करने वाली हूँ उस गाने में। अभी 2 बजने वाले हैं, अभी मैं करूँगी लंच। हेलो
तो पता नहीं क्या है भाई, लंच में क्या बना है कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। बड़े पापा कर रहे हैं लंच, दादी भी कर लिए लंच, और मैं क्या बोलते हैं, बीच में जो मैंने रिकॉर्ड किए थे ना वो क्लिप्स ये ब्लॉग का, मेरे को मिला नहीं तो नहीं डालूंगी। नहीं मिला भाई, फाइल्स में सेव करके रखा तो वहाँ पे भी नहीं मिला भाई। गाइस अभी मैं लंच करके आ गई हूँ रूम पर फिर, और मैं अभी फिर से वही गाना सुनूंगी शिकायत, जो कि मेरे दिमाग में घुस चुका है भाई। मस्त गाना है आज उससे, अब जितना भी सुनो ना, अब मेरे को ना सारे रिएक्शन वीडियो बना के डाल रहा है, मेरे को भी मन कर रहा है। बट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं रिएक्शन चैनल पे एक्टिव रहने वाली हूँ। उसका ईमेल ना एक्सपायर हो गया है। एक्चुअली मेरा जो रिएक्शन चैनल था वो कॉलेज के ईमेल के साथ अटैच था, तो वो ईमेल अभी एक्सपायर हो गया है। मेरे को नया रिएक्शन चैनल बनाना पड़ेगा और पुराने वीडियोस डालने पड़ेंगे जो मैंने उस ईमेल मतलब उस चैनल पे डाला था जो कॉलेज के ईमेल से अटैच था। देखा तो फटाफट से देखो भाई, क्या मस्त गाना है, मस्त है मस्त। आई होप कॉपीराइट ना लगे। शिकायत करेंगे करें। इसमें क्या मस्त लग रहा है यार, क्या रिलेटेबल गाना बनाया भाई। रिलेटेबल क्यों, लाइफ के ऊपर रिलेटेबल भाई। हर मिडिल क्लास फैमिली से जो कोई भी बच्चा है ना वो रिलेट कर पाएगा। कितने गोरे लग रहे, इधर 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 दिखा भाई साहब, गोरे लग रहे। अभी ये लोग कुछ तो खेलेंगे, ताश वगैरह खेलेंगे, इन लोग का दोपहर का ही। हेलो मैम ऑटोग्राफ दे दीजिए ना भाई साहब। इधर गाइस आम पड़ा, मैं खा लूंगी आम, मुझे दिया भी नहीं, देखो मेरे को खुद खाना पड़ा, दिया भी नहीं, क्या करें भाई। घर वाले को ले आम इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस, इम्पोर्टेंट है कि नहीं आम, नहीं है। मुंह पे बैठ रही भाई, देख रहे हैं। तो गाइस मैं ट्राई कर रही हूँ वो सुबह वाला क्लिप ढूंढने के लिए ताकि मैं इस ब्लॉग में अटैच कर दूँ, बट मिल नहीं रहा है मुझे। वो फाइल्स में भी नहीं मिल रहा, फोटोज गैलरी में भी नहीं मिल रहा। अगर मिले तो मैं डाल दूंगी भाई, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। दादी आप नहीं खेलोगे? हाँ आम खाया आपने? क्यों खाया, खाने जरूरत था? इधर दिखो ना, आए तो बोलो सबको। आजकल आप व्लॉग में नहीं आ रहे, मतलब बाहर थी ना, तो आई तो बोलो एटलीस्ट। इनका स्माइल। तो गाइस मैं अभी यहाँ पीछे मतलब हमारे बैकयार्ड पे आई हूँ। ये देखिए यहाँ पे इतना धूल मिट्टी जमा हुआ था ना, बट पापा और भैया मिलके और साथ साथ में मम्मी भी मिलके इसको साफ सफाई किया। ये जो इधर मिट्टी पड़ा था ना, इसको हमने वो जो बाउंड्री मतलब बनाया है ना, बाउंड्री लगाया उस पार हमने रख दिया है। मिट्टी को एकदम समेट के एकदम प्लेन तरीके से हमने उधर मिट्टी रख दिया। यहाँ पे जो मिट्टी जमा हुआ था फुल डेडिकेशन के साथ इन लोगों ने काम किया। भाई मेरे को बुला रहे थे, मैं तो पढ़ रही थी, एग्जाम सारे रिवीजन पेंडिंग पड़ा था मेरा वो करने के लिए। अरे भाई फिर से कहीं ना कहीं से आ जाती है भाई, ये क्या है, दिक्कत नहीं। और ये ईटा ना इधर रखा था, बट पापा लोग ने क्या किया कि ईटा सारा यहाँ असेंबल करके वहाँ तक पूरा ईटा मतलब पूरा ईटा वगैरह यहाँ पे फैला पड़ा था ना, यहाँ पे एकदम फैला पड़ा था, तो पापा और भैया मिलके सारा ईटा को ऐसे असेंबल कर दिए। ये देखिए, चलो भाई अभी मैं जाती हूँ। आज डिंपल आंटी का व्लॉग नहीं आया है, डिंपल आंटी का आज व्लॉग नहीं आया, वरना मैं देखती हूँ लंच वंच करके उनका ही व्लॉग। तो अभी थोड़ी देर सो लेते हैं, मेरा थोड़ी देर होता है 4-5 घंटा। उनका इतना घुटना दर्द है फिर भी काम करना है, क्या करूँ। हाँ उपाय नहीं है, बस एक ही डायलॉग आता है।
इतने घुटने में दर्द है, इंसान रेस्ट करता है ना। मेरी दादी काम करती है, ये देखो पूरे सीढ़ी पे, सीढ़ी पे पानी फैला रखा है भाई, साफ कर रही थी। घुटने में दर्द है, इंसान सोता है, रेस्ट करता, बट नहीं ना। हम लोग के घर में ऐसा चीज है ना कि इंसान जितना भी बीमार हो जाए, क्या हो जाए, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम होना जरूरी। खुद का ध्यान नहीं रखूंगी भाई, यही है। मैं बोल के थक गई भाई। जब आप बीमार होते तो रेस्ट कर किया करो, बट नहीं, मेरा तो सुनते है नहीं, मेरे मुंह पे बेइज्जती मार देते भाई, क्या करे भाई इंसान। Later that same evening. अभी 6:50 हो रहे हैं शाम के, जस्ट मैं सो कर रही हूँ। क्या मस्त नींद आया रे। और दोपहर को ना थोड़ी देर के लिए धूप निकला था, थोड़ी देर के लिए बस, काफी टाइम बाद धूप निकला था। और अभी मैं बैठी हूँ लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, एक क्रिएटर फ्रेंड है उसका लाइव स्ट्रीम देख रही हूँ, थोड़ी देर में पढ़ाई स्टार्ट करूँगी रिविजन। और वो जो मेरे को सुबह में क्लिप ढूंढ रही थी ना, सुबह का जो क्लिप था वो मुझे मिला ही नहीं, तो मैं इस ब्लॉग पे नहीं डालूंगी, मुझे मिला नहीं तो मैं कैसे डालू भाई। बट कोई बात नहीं यार, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाता। तो अभी मैं फटाफट से आज का ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, ताकि जब मैं पढ़ूँ तो ध्यान मेरा एडिटिंग में ना हो, जो कि बहुत टाइम लेता है एडिटिंग में। तो फटाफट से एडिट कर देती हूँ ब्लॉग आज का। तो हाँ जी गाइस, आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आई होप आप सबका ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और ब्लॉग्स बनाने में। तो हाँ जी, मिलते हैं ब्लॉग में। बाय बाय, चाचा बाय। बचपन में कितना सुहाना था।